आपका क्वेश्चन है प्रूव द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। देखो क्या दिया है, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉस ए, 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए इज इक्वल टू टू। नाउ तो ये आइडेंटिटी देखो आपकी सब डिफरेंट है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे साइन एंड कॉस में। तो ये देखो आपका कैसे आ रहा है, 1 प्लस कॉट ए इज कॉस ए बाई साइन, कॉस ए बाई साइन माइनस नाउ कॉसेक ए इज 1 बाई साइन, 1 बाई साइन ए। और दूसरा देखो, 1 प्लस टेन ए इज साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए प्लस सेक ए इज 1 बाई कॉस ए। ठीक है ना। तो अब देखो हमको प्रूव करना है दैट इज इक्वल टू टू। टेक द एलसीएम, तो देखो आपका एलसीएम क्या आएगा, साइन। और यहां पर क्या आ गया देखो, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस वन। ठीक है। और यहां पर देखो क्या आ गया आपका, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस वन बाई कॉस ए। ठीक है ना। दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको, तो कैसे करेंगे देखो, यहां पर देखो साइन ए प्लस कॉस ए, यहां पर भी साइन ए प्लस कॉस ए, दोनों को हम एक लेंगे वन पार्ट। तो दिस इज योर वन पार्ट एंड दिस ये वाला। तो यहां अब क्या हो गया, ए माइनस बी, ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका देखो क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर माइनस वन, है ना। माइनस वन कैसे आ गया, वन स्क्वायर इज वन बाई, नीचे देखो क्या है आपका, साइन ए कॉस ए मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ऊपर वाला फिगर को करो मल्टीप्लाई, तो देखो आपका क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए कॉस ए माइनस वन। ठीक है, बाई साइन ए कॉस ए। ठीक है ना। अब ये देखो आपका क्या है, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर दैट इज वन, है ना। तो हमारा क्या आ गया देखो, वन प्लस टू साइन ए कॉस ए माइनस वन बाई साइन ए कॉस ए। तो वन एंड माइनस वन गॉन, तो आपका बच गया टू साइन ए कॉस ए। तो टू साइन ए कॉस ए में साइन ए कॉस ए आपके दोनों कट रहे हैं, टू साइन ए कॉस ए बाई साइन ए कॉस ए। ये देखो ये दोनों कट रहे हैं, तो दिस इज इक्वल टू टू। तो नाउ वी कैन से एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव। ठीक है, इस तरह से आपको इसको करना है।